यार क्या मुझे लग रहा है तो दिन में दिल्ली के शाहबाद डेयरी इलाके में झुग्गियों में लगी भयंकर आग। आग पर काबू पाने के लिए फायर की 8 गाड़ी मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक काफी झुग्गियां जलकर राख में तब्दील हो गई। बताया जा रहा है कि इन झुग्गियों में एक बच्चा भी फंस गया था जो काफी हद तक जल चुका है। उसे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया है। हम आपको बताते चले कि 23 से 25 झुग्गियों में तकरीबन यहां पर जली हैं। जिस तरीके से गर्मी पड़ रही है और हवा चल रही है, इन दिनों आग काफी खतरा है। वो फट गया, वो फटा बड़ा खतरनाक फटा है। हम आपको बताते चले झुग्गे जली हैं, इन कबाड़े का काम भी होता है। जैसे पनिया वगैरह चुपकर ये लोग इकट्ठा कर लेते हैं, झुग्गियों के अंदर सिलेंडर वगैरह भी रहते हैं। आग लगने के बाद सिलेंडर भी फटते हैं, जिसमें आग ज़्यादा फैल जाती है। अब देखना होगा कि आखिरकार किस वजह से यहाँ पर आग लगी, ये जांच का विषय है। लेकिन फिलहाल हम आपको बताते चले शाहबाद डेयरी इलाके में 23 से 25 झुग्गियाँ जलकर राख में तब्दील हो गई हैं। झुग्गियों के अंदर सारा सामान जलकर राख हो चुका है। देख वहाँ से शुरुआत, एक बच्चा भी वहाँ पे जल चुका है। हम आपको बताते चले आखिर झुग्गियों में आग ये कई बार लग चुकी है यहाँ पर। देखिए इस रिपोर्ट में। सर ये जो आगजनी हुई है, इसकी सूचना आपको किस समय मिली? इसकी सूचना तो सही टाइम 101 कंट्रोल रूम से मिलेगा। ऐसी हमारे को ये सूचना मिली, हम लोग यहाँ पहुँचे तो झुग्गियों में आग लगी हुई थी। शाहबाद डेयरी के पास ये झुग्गियाँ हैं, इनमें आग लगी हुई थी और एक बच्चा 6 साल का उसमें जल गया है, जिसे अम्बेडकर हॉस्पिटल भेजा गया है। बच्चे का क्या नाम है सर? बच्चे का नाम तो वो पर्टिकुलर वहाँ इसके माँ या यहाँ नहीं है कोई, वहाँ हॉस्पिटल गए हुए हमारे कर्मचारी। कितनी गाड़ियाँ मौके पर पहुँची? गाड़ियाँ 8 गाड़ियाँ मौके पर थी, और दो स्टेशन ऑफिसर और एक असिस्टेंट डिविजनल। जब दमकल विभाग की गाड़ियाँ यहाँ पहुँची तो आग किस मात्रा में पहुँच चुकी थी? लगभग सभी झुग्गियों में लगभग आग थी। तो यहाँ आने के बाद हमें सुनने में आया है कि आपका जो स्टाफ है, जो कर्मचारी है, उनके पैरों में भी आग आए हैं, तो कितने हुए हैं? हमारा एक कर्मचारी था जो सेक्टर 16 फायर स्टेशन है रौनी में, वो बच्चा वहाँ फंसा हुआ था, उसे बचाने के लिए गया था और वो वहाँ जाके वो एक गड्ढे में पानी, गर्म पानी था जो कि वो देख नहीं पाया, उसमें वो उसका पैर चला गया। उपचार के लिए अम्बेडकर हॉस्पिटल गया। तो सर ये बताइए, कोई और इंजर्ड तो नहीं है? नहीं, और कोई इंजर्ड नहीं हुआ। तो ये बताइए कि जैसे इस टाइप की आगजनी होती है, इसमें जब आप लोग जब तक पहुंचते हो तो ये लगभग 180% नुकसान हो चुका होता है? ये जो झुग्गियाँ होती हैं इस टाइप की हैं, इनका जो है माल पॉलिथीन वगैरह है, ये जो चुपके ले आते हैं पॉलिथीन, इसी में पॉलिथीन रखी होती है, इन्हीं में इनका खाना बनाने के सिलेंडर रखे होते हैं। जब आग लगती है तो हर झुग्गी में सिलेंडर फटता है, उससे आग फैल जाती है सभी। एक दमकल अधिकारी के नाते इस टाइप की जो झुग्गी बस्ती होती है उनमें रहने वाले लोगों, जैसे गर्मी का मौसम है, आग जल्दी
लगती है, तो क्या संदेश देना चाहेंगे आप अपनी तरफ से? ये जो इस तरह की झुग्गियाँ होती हैं उनको टीन की झुग्गी बनाई जाए, ये तिरपाल वगैरह की कच्ची झुग्गियाँ ना हो, टीन वगैरह से उनकी झुग्गियाँ बनाई जाए और उनमें थोड़ा सा गैप रखा जाए, 2-4-5 झुग्गी फिर गैप बनाया जाए, इस तरह से गैप बना के बनाई जाए और उनमें जो है ना ये जो कुकिंग सिलेंडर हैं ये इस तरह के नहीं होना चाहिए, जहाँ माल है वहीं LPG के सिलेंडर हैं वहीं पे वो है, ये इस तरह के नहीं होना चाहिए।